निघासन थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में चोरियों का सिलसिला लगातार बढ़ गया था। पुलिस से बेखौफ चोर जिला सहकारी बैंक ब्लॉक के अलावा एक पेपर कार्यालय का ताला तोड़ते हुए उसमें घुसकर कार्यालयों में रखे बैटरा, कंप्यूटर, सीपीयू व मॉनिटर आदि लाखों रुपए का माल चुरा ले गए थे। क्षेत्र में बड़ी लगातार चोरियों से लोगों में पुलिस की कार्य प्रणाली के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा था। मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने चोरी गए 3 बैटरों, इन्वर्टर, LCD आदि सामान के साथ 2 चोरों को धर दबोचा। कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि चोरी की वारदातों में शामिल एक चोर पूर्व ब्लॉक प्रमुख का बेटा है, जबकि दूसरा शाहिद नामक युवक रायपुर का निवासी है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। चोरी घटनाएं बढ़ गई थी, जिसमें पुलिस को सक्रियता आरोप लगा करके 2 चोरों को पकड़ा गया, जिनके पास से ब्लॉक में हुई चोरी, बैंक में हुई चोरी तथा दैनिक जागरण कार्यालय में हुई चोरियों का सारा सामान बरामद हुआ है, जिसमें पुलिस तो प्रयास से दोनों चोर पकड़े गए हैं। सारे सामान बरामद हुए हैं, चोरों को पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। इनके आपराधिक कृत्यों को देखते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाए। सर, इसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख का एक लड़का भी है, ब्लॉक प्रमुख का लड़का भी है जो इस गैंग का सरगना है, गैंग लीडर वही है। ये पुलिस के संपर्क में ब्लॉक प्रमुख का लड़का होने जाते हैं, पुलिस के अगल बगल आना जाना भी रहता था, जिसके कारण इन पर संदेह नहीं हो रहा था। पुलिस ने हिकमत अमली से चीजों को पता करके तो मैं सामान चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया, सारे सामान बरामद किया।